शुरू होती है जहाँ हम देखते हैं कि एक आदमी टैक्सी में बैठ के कहीं जा रहा होता है और वो टैक्सी ड्राइवर से बात कर रहा होता है। वो उसे कहता है कि मैं अपने एक दुश्मन को ढूंढ रहा हूँ ताकि मैं उसे मार सकूँ। टैक्सी ड्राइवर को उसकी बातें फनी लग रही होती है। उसके बाद वो एक जगह उतरता है और एक पुल पे बैठ के एक ड्रॉइंग बना रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि कुछ गाड़ियाँ आती हैं और वो उन गाड़ियों पे हमला करता है। उसके पास दो तलवारें होती हैं और एक पिस्टल होता है और वो उन गाड़ियों में मौजूद बैठे लोगों को मारना शुरू करता है। तब हमें पता चलता है कि इसका नाम डेडपूल है और ये जिस आदमी से बदला लेना चाह रहा होता है उसका नाम फ्रांसिस होता है। और डेडपूल इससे बदला इसलिए लेना चाह रहा होता है क्योंकि उसने डेडपूल के मुंह को पूरी तरह से खराब कर दिया होता है। उस आदमी ने डेडपूल पे कोई एक्सपेरिमेंट किया होता है और ये सारी बात अब न्यूज़ पे भी चलना शुरू हो जाती है कि डेडपूल और फ्रांसिस में लड़ाई हो रही है। उसके बाद हम देखते हैं कि इस न्यूज़ को एक आदमी भी बैठा देख रहा होता है जो कि स्टील का बना होता है और वो एक लड़की से मिलता है और ये दोनों बहुत गुस्से में कहीं जा रहे होते हैं। उसके बाद हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जिसमें हम वेट को देखते हैं जो कि अभी डेडपूल नहीं बना था। उसका मुंह बिल्कुल ठीक होता है और उसकी एक लड़की से दोस्ती होती है जिसका नाम वैनेसा होता है। वो दोनों एक दूसरे को काफी पसंद करने लगते हैं और अब वो दोनों साथ रहने लगते हैं। एक साल गुजर जाता है। उसके बाद अचानक से एक दिन वेट बेहोश हो जाता है। वो जब अस्पताल जाता है तो उसे पता चलता है कि वो कैंसर के लास्ट स्टेज पे है। ये सुन के वो बहुत परेशान हो जाता है लेकिन वैनेसा उसे कहती है कि मैं तुम्हारा साथ कभी भी नहीं छोड़ूंगी। उसके बाद वो अपने एक दोस्त से मिलने के लिए बार में आता है जो कि उसे बताता है कि तुम्हारे लिए एक आदमी इंतजार कर रहा है। वो जाता है और उससे मिलता है जो कि डेडपूल को कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हें एक बीमारी है और तुम चाहते हो कि इसका इलाज करवाया जाए। मैं तुम्हारी इसमें मदद कर सकता हूँ और इसके साथ साथ तुम्हें सुपर पावर भी मिल जाएगी। लेकिन डेडपूल कहता है कि मैं अपनी जिंदगी एक नॉर्मल इंसान की तरह गुजारना चाहता हूँ और उसके बाद वहाँ से आ जाता है। उसके बाद सीन हमें दोबारा प्रेजेंट पे दिखाया जाता है कि वो स्टील मैन डेडपूल को कह रहा होता है कि तुम्हारे साथ क्या मसला है, तुम अपनी पावर्स का गलत इस्तेमाल क्यों कर रहे हो। लेकिन डेडपूल कहता है कि मैंने उससे बदला लेना है और मैं उससे बदला लेके ही रहूंगा। लेकिन जिस दौरान ये लोग बातें कर रहे होते हैं उसी वक्त फ्रांसिस वहां से भाग जाता है जिस पे डेडपूल को बहुत गुस्सा आता है। वो स्टील मैन पे हमला करने लगता है और उससे कहता है कि तुम्हारी वजह से वो मेरे हाथ से निकल गया। लेकिन स्टील मैन पे उसके हमले का कोई असर नहीं होता और स्टील मैन का एक ही मुक्का उसके लिए काफी होता है। उसके बाद स्टील मैन उसे अपने साथ उसका हाथ बांध के ले जाने लगता है लेकिन डेडपूल अपना हाथ काट देता है और वहाँ से नीचे छलांग लगा देता है जहाँ वो कूड़े के एक ट्रक में जाके गिरता है जो कि एक बहुत ही अजीब बात होती है। उसके बाद हमें दोबारा पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ हम देखते हैं कि दो साइंटिस्ट वेट को एक जगह एक्सपेरिमेंट्स के लिए लेके जा रहे होते हैं। वो उस पर तरह तरह के एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, उसमें काफी कुछ इंजेक्ट करते हैं और उसे गुस्सा दिलाने के लिए उसे बहुत टॉर्चर करते हैं लेकिन जो रिजल्ट्स वो चाह रहे होते हैं वो उन्हें शो नहीं हो रहे होते। उसके बाद वो उसे एक ऐसी जगह बंद करते हैं जहाँ ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं आ रही होती और उसके बाद उसकी बॉडी जलना शुरू हो जाती है। वहाँ उसके साथ एक और आदमी भी होता है जो कि वेट को बताता है कि साइंटिस्ट का नाम फ्रांसिस है और उस आदमी पे भी वही एक्सपेरिमेंट्स हो रहे होते हैं। वेड ने अपने मुंह में एक मैच स्टिक छुपा रखी होती है जिसे वो अपनी बॉडी के साथ जला के ट्यूब में फेंक देता है और जिसकी वजह से सारी लेबोरेटरी जल जाती है। अब वो वहाँ से बाहर निकलता है और फ्रांसिस को मारने की कोशिश करता है लेकिन वो एक रॉड को उसकी बॉडी में घुसा देता है और उसके बाद वहाँ से चला जाता है और सारी लेबोरेटरी राख का ढेर बन जाती है। उसके बाद जब वेड की आंख खुलती है तो वो देखता है कि वो अभी तक जिंदा है। उसे बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा होता लेकिन वो एक्सपेरिमेंट कामयाब हो गया होता है और उसके अंदर सुपर ह्यूमन एबिलिटीज आ चुकी होती हैं। उसके बाद वो वैनेसा से मिलने के लिए जाता है लेकिन रास्ते में सब उसे अजीब तरह से घूर रहे होते हैं। जब वो एक बिल्डिंग के सामने जाता है तो वो देखता है कि उसकी शक्ल बिल्कुल बिगड़ चुकी होती है। वो कहता है कि अब वैनेसा मुझे कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगी। के बाद वो अपने दोस्त से मिलने जाता है तो उसका दोस्त उसे कहता है कि जिस आदमी ने तुम्हारा चेहरा बिगाड़ा है वही इसे ठीक कर सकता है, तुम उसे ढूंढो। उसके बाद वेट फ्रांसिस को ढूंढना शुरू करता है। उसका दोस्त वेट का एक नाम भी रखता है। वो कहता है कि तुम आज से डेडपूल हो और वो उसे कहता है कि तुम अपनी आइडेंटिटी लोगों से छुपा के रखना। वो फ्रांसिस को ढूंढने की पूरी कोशिश करता है और इस दौरान उसको जितने फ्रांसिस के आदमी मिलते हैं वो उन्हें भी मार देता है। वो अपने लिए एक सूट भी बना लेता है जो कि रेड एंड ब्लैक सूट होता है जिसे पहन के वो अपनी आइडेंटिटी छुपा सके। और अब उसे फ्रांसिस एक साल बाद मिला था जो कि उसके हाथ से फिर से निकल गया था। उसके बाद वेड एक जगह आता है जहाँ वो एक बूढ़ी औरत से मिलता है और ये बूढ़ी औरत उसकी असल आइडेंटिटी को जानती थी और उसी ने उसे मशवरा दिया था कि वो अपने लिए एक सूट बना ले और वो औरत अंधी होती है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो उसके साथ उसके घर जाता है और उसे कहता है कि जब तक मेरा हाथ वापस नहीं आ जाता मैं यहीं आपके साथ रहूंगा। क्या हमें पता चलता है कि उसने अपना हाथ इसीलिए काटा था क्योंकि उसकी सुपर ह्यूमन एबिलिटीज में से एक एबिलिटी ये थी कि उसके बॉडी पार्ट्स अगर कट जाएं तो वो दोबारा बन जाते थे लेकिन उनको जरा सा टाइम लगता था। उसके बाद हम देखते हैं कि फ्रांसिस की एक साथी वेट के दोस्त के पास जाती है और उसे कहती है कि मुझे बताओ कि वेट कहाँ है। वो कहता है कि मुझे नहीं पता और उसे वहाँ वैनेसा की पिक्चर नजर आती है और वो कहती है कि वेट को लाना अब हमारे लिए आसान है। उनके जाने के बाद वेट का दोस्त उसे कॉल करके बता देता है और वो दोनों जल्दी उस बार में जाते हैं जहाँ वैनेसा काम करती थी लेकिन वेट की हिम्मत नहीं पड़ रही होती कि वो उस चेहरे के साथ जाके उससे बात करे तो वो उससे पहले वॉशरूम जाता है। लेकिन उतनी देर में बाहर वैनेसा को एक मैसेज मिलता है कि कोई उसे ढूंढ रहा है। उसे लगता है कि शायद वेट आया होगा तो वो जल्दी से बाहर जाती है लेकिन वहाँ फ्रांसिस के साथ ही होते हैं और वो उसे किडनैप करके वहाँ से ले जाते हैं। और इसके बाद वो वेट को मैसेज करके बताते हैं कि वैनेसा हमारे कब्जे में है। के बाद स्टीलमैन एक लड़की और वेट वहाँ उनसे लड़ने के लिए जाते हैं। अब यहाँ इन सब की जबरदस्त लड़ाई होती है और डेडपूल फ्रांसिस से लड़ाई कर रहा होता है। वैनेसा को उन्होंने एक चैम्बर के अंदर रखा होता है। फ्रांसिस
ग्लासेस के साथ ही स्टीलमैन को मारने वाली होती है, जिसपे स्टीलमैन के साथ ही अपनी सारी पावर्स को यूज करते हुए एक ब्लास्ट करती है, जिसकी वजह से वहाँ रखी सारी चीजें मूव करना शुरू हो जाती है और वैनेसा का चैम्बर भी वहाँ से गिरने लगता है। फ्रांसिस उसको जाके बचाता है, लेकिन डेडपूल उसको जाके बचाता है, लेकिन उसी वक्त फ्रांसिस भी वहाँ जाता है और दोनों में दोबारा लड़ाई होती है। डेडपूल वैनेसा को बचाने में कामयाब हो जाता है और फ्रांसिस को भी पकड़ लेता है। अब वो उसे मारने वाला होता है कि स्टीलमैन उसे कहता है कि तुम्हें उसे नहीं मारना चाहिए, लेकिन डेडपूल उसे शूट कर देता है और ये देख के स्टीलमैन को उल्टियाँ शुरू हो जाती है, क्योंकि वो दिल का थोड़ा कमजोर होता है। उसके बाद वैनेसा वेट को बहुत मारती है और कहती है कि तुम मुझे छोड़ के क्यों चले गए, तो वो उसे अपना फेस दिखाता है। वो कहती है कि इसमें क्या बुराई है, सब कुछ तो ठीक है और मुझे तुम्हारी स्किन से कोई फर्क नहीं पड़ता। और यहाँ इन दोनों का पैचअप हो जाता है और ये फिल्म भी खत्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।